आवाज अपने औरंगाबाद की। वैसे उनको दिखाने की जरूरत है अगर आपने पूछा तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन उनकी जो मकसद है, उनकी जो सोच है, उनकी जो इंसानियत की जो भावना है, वही उनको तकाजा दे रही है, वही उनको कह रही है कि धर्म जो है वो आपकी एक अलग बात है, सामाजिक आयु आपको जिंदगी में गुजारना है तो आपको सेक्युलरिज्म के माध्यम से ही यहां पे गुजारना होगा, और इस विचारधारा को वो आप आगे ले आ। मैं मानता हूं यहां पर की काफी बड़ी चर्चाएं हुई है, एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि कल क्या होगा पता नहीं। जिस तरह से संगठनों का सत्ता में बैठे हुए संगठन उनकी जो विचारधारा है क्या वो सही अमल में ले आए, क्या ये है कि 2024 तक ये संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। हम लोग जब तक हार जीत की राजनीति में फंसते रहेंगे तब तक मेरे ख्याल से इसमें हम लोग हारते रहेंगे। हम लोग को पहले हार जीत से बाहर निकलना, और जिस दिन हम लोग ये हार जीत से बाहर निकले तब तक से मैं उसको कहूंगा कि संविधान भी बच गया और अधिकार भी बच गया और डेमोक्रेसी भी यहाँ की बच गई। क्यों उस दिन ये साबित होगा यहाँ पर कि विचारधारा के लोग इतने बड़े पैमाने पे इस देश में है और वो इस विचारधारा पर अमल करने के लिए तैयार। सेक्युलरिज्म की विचारधारा की जनसंख्या हम लोग ने दिखा दी, वोटिंग के माध्यम से हम लोग दिखा देते, जैसे आज वंचित बहुजन अघाड़ी ने 14% मिला के यहाँ पर दिखा दिया कि 14% यहाँ के सेक्युलर विचारधारा मानने के लिए तैयार है। अधिकांश उसमें से 95% मैं कहूंगा कि हिंदू ही है, कि उसने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिया कि मौका मिला उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का कि सेक्युलरिज्म विचारधारा इस देश पे खत्म नहीं हुई है, जिंदा है और मैं जिंदा रखने के लिए तैयार हूं। ये विचारधारा जैसे बढ़ती जाएगी वैसे जो अपने मंसूबे बना के बैठे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, यहां पर जो है एक अलग से व्यवस्था बनाएंगे, उनके सामने ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज हमेशा उनके लिए डराता रहेगा, कहता रहेगा कि आप इतने बड़े लोगों को काबू नहीं कर सकते। मैं हमेशा मुस्लिम समाज से ये कहता हूं कि आप हिटलर को अध्ययन करें, हिटलर भी डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की ओर आता। हिटलर एक सिस्टम है, एक विचारधारा, चाहे हम माने ना माने अलग बात है, लेकिन वही सिस्टम इस्तेमाल करके यहां पर डिक्टेटरशिप की ओर जा रहे हैं। और जिस तरह से जर्मनी में पूरी पुरानी व्यवस्था खत्म करके वह हिटलर ने एक नई व्यवस्था ला रहे जिसपे हम लोग ये आवाज अपने